الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں, گزشتہ جمعے سے آپ کی خدمت میں معراج کے عظیم الشان اور سچے واقعے میں سے بعض خاص جن کی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت فرمائی اور خاص حالات جنہیں آپ نے دیکھا آپ کے سامنے میں نے بیان کیے تھے. آج بھی عالم برزخ میں گزرتے ہوئے آپ نے مختلف لوگوں کو مختلف قسم کے عذابوں میں مبتلا پایا اور ان کے بارے میں آپ نے حضرت جبیر امین سے, جو آپ کے رفیق سفر تھے اس معراج میں, ان سے ان کی حقیقت دریافت کی جو انہوں نے آپ سے بیان فرمائی. ان میں سے چند واقعات میں آج بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی, اور یہ واقعات میں اس لیے بیان کروں گا کہ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے اور ہمارے لیے بڑی عبرت ہے, اور جن گناہوں میں آپ نے بعض لوگوں کو عالم برزخ میں مبتلا دیکھا ہے وہ گناہ آج بھی ہمارے اندر پائے جاتے ہیں. اس لیے بھی میں بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. جو باتیں میں عرض کروں توجہ سے سنیں, دھیان سے سنیں, یاد رکھنے کی کوشش کریں, اور گھر والوں کو بھی جا کر کے بتائیں اور سنائیں تاکہ سب کو فائدہ ہو.
जब आप मेराज में तशरीफ ले गए तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम आपके साथ साथ थे। जहां भी आप कोई गैर मामूली वाकया देखते या हाल देखते थे तो जिब्राइल अमीन से पूछते थे कि इसकी क्या हकीकत है, वो बयान करते जाते थे। तो इस सफर में चलते हुए आपका एक कौम के ऊपर गुजर हुआ, एक कौम के पास से आप गुजरे और उनको इस हालत में देखा कि उनके नाखून तांबे के हैं, उनके नाखून तांबे के हैं, यहां तेज धार वाले, और देखा कि वो नाखूनों से अपना चेहरा नोच रहे हैं और चेहरे का गोश्त खींच रहे हैं, ऐसे सीने का गोश्त खींच रहे हैं और छील रहे हैं। ऐसे बड़ी खौफनाक सूरत हाल है, दर्दनाक सूरत हाल है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अमीन से पूछा कि ये कौन लोग हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि हुजूर ये वो लोग हैं जो दुनिया में लोगों की गीबतें करते हैं, ये दुनिया में गीबत करने वाले हैं। गीबत करने की वजह से उनको यहां पर यह अजाब हो रहा है, ये गीबतें करके लोगों की बेइज्जती करते थे, बेआबरूई करते थे, इस वजह से यहां इनको ये अजाब हो रहा है। अब देखो गीबत एक ऐसा गुनाह है कि इस वक्त कहना चाहिए सारी दुनिया में आम हो गया है। पहले तो कभी ये कहा करते थे कि औरतें बहुत गीबत करती, अब ये बात खत्म हो गई, औरतें और मर्द तकरीबन बराबर हो गए। जैसे औरतें बहुत गीबत करती हैं, मर्द भी बहुत ही गीबत करते हैं। गीबत करने का एक गुनाह तो वही है जो कुरैशी में अल्लाह पाक ने बयान फरमा दिया है कि अपने मुर्दा भाई के गोश्त खाने की तरह है। गीबत करना ऐसा गुनाह है जैसे कोई अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए, जो हराम दर हराम है। भाई आदमी का गोश्त तो हराम है, किसी के लिए भी उसे खाना जायज नहीं, और फिर मुर्दा भाई का गोश्त और भी ज्यादा हराम और बुरा है। तो जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना गुनाह और हराम और नाजायज है, अपने मुसलमान भाई की गीबत करना भी इसी तरीके से हराम और गुनाह और नाजायज है। और ये भी उनका अजाब है जो आपने अपनी आंखों से देख लिया है, और मेराज से आने के बाद आपने खुद बयान फरमाया है कि मैंने ऐसे लोगों को देखा कि उनके नाखून तांबे की तरह थे, तांबे के थे। अध्यात्मों की जो तेज और वो इससे अपने चेहरों का गोश्त है ना, वो नोच रहे थे, छील रहे थे अपने चेहरों से गोश्त, वो खींच रहे थे, उतार रहे थे, सीने से भी छील रहे थे, उतार रहे थे। जिब्राइल साहब ने इनके बारे में पूछे तो जवाब दिया कि वो लोग हैं जो दुनिया में दूसरों की गीबत करते हैं और उनका गोश्त खाते हैं, यानी गोश्त गीबत करते हैं और उनकी बेआबरूई करते हैं। अब देखो ये गुनाह इतना आम है, कितना खतरनाक इसका अजाब है और वबाल है। और वो गीबत जिसे कहते हैं कि किसी भी मुसलमान के अंदर वाकईतन कोई ऐब है, वाकईतन किसी मुसलमान में कोई ऐब है, जिसे झूठ बोलता है, बेटा गुस्सा करता है, डंडी मारता है, बदअखलाक है, बदतमीज है, बेशर्म बेहया है, कम तोलता है, कम नापता है, फराडी है, धोखेबाज है, वाकई तो उसके अंदर ये ऐब है। अब हम उसके पीठ पीछे उसकी ये बुराई लोगों के सामने बयान कर रहे हैं, फलाना तो बड़ा झूठा है, फलाना बड़ा मक्कार है, फलाना बड़ा फरेबी है,
और उसके 10 ऐब हम लोगों के सामने बैठकर बयान करें जो उसके अंदर वाकईतन मौजूद हैं, इसका नाम है गीबत। और ये हराम है, गुनाह कबीरा है, इसकी हुरमत कुरान शरीफ से भी साबित है, अहादीस से भी साबित है। और अच्छे खासे हाजी नमाजी लोग भी इसमें बार दफा मुब्तला हो जाते हैं। तो हम तो कम से कम अपनी जुबान को ताला लगाए कि तहिया कर लें इंशाअल्लाह ताला कि हमारी जुबान से किसी की तारीफ तो होगी, बुराई नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। भाई ये तक हां, जहां जहां शरीयत ने बुराई करने की इजाजत दी है वो मौके आप जरूर मालूम कर लें अहले इल्म से, क्योंकि बाद मौके शरीयत ने ऐसे भी रखे हैं कि जहां पर दूसरे की ऐब जो ही जाहिर है वो मालूम कर लो। इसके बाद इसके अलावा जो सूरतें हैं जिसके अंदर दूसरे की बुराई बयान करना, गइबत करना हराम है, बस उससे अपने मुंह को ताला लगा ले। ये जुबान जो है अल्लाह ताला की हमारे पास अमानत है, कल इसका जवाब देना है। खयानत हराम है इसके अंदर भी, और नाहक किसी की गइबत करना ये भी हराम और नाजायज है। ना औरतें औरतों की गइबत करें, ना सास बहू की गइबत करें, ना बीवी सास की गइबत करे, ना ससुर अपने बेटे और बहू की गइबत करे, ना भाई बहन की गइबत करे, ना बहन भाई की गइबत करे, ना दोस्तों की गइबत करे, ना एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की गइबत करे। अब ये गुनाह जो कितना आम हो गया कि शायद ही कोई घर गइबत से खाली हो, शायद ही किसी मुसलमान की कोई मजलिस गइबत से खाली हो, जहां बैठेंगे वहां कहीं ना कहीं गइबत जरूर होगी। और गइबत के साथ साथ एक और मेराज के वाकये में आपने मुशाहिदा फरमाया कि एक जगह से आप गुजरे तो वहां एक तो ये देखा कि बाज औरतें अपने पिस्तानों के साथ बांधकर लटकाई हुई हैं, इस तरह उनको जहन्नम के अंदर अजाब हो रहा है, अपने पिस्तानों से लटकी हुई हैं अलियाज़ु बिल्ला। एक तो वैसे आदमी का जहन्नम में होना कितना बड़ा अजाब है, और फिर पिस्तानों के साथ लटकना और कितना दर्दनाक है। मगर वो दो जख्मे इस तरह से लटकी हुई थी, आपने इस हालत में उनको अजाब होते हुए देखा। तो आपने पूछा जिब्राइल ने, ये कौन है? कहा ये वो औरतें हैं जो दूसरों से नाजायज ताल्लुकात रखने वाली हैं। ये नाजायज ताल्लुक रखने वाली औरतें हैं जो पिस्तानों के बल यहां लटकी हुई हैं। दुनिया में इनके नामहरम मर्दों से हराम और नाजायज ताल्लुकात थे, और आज यहां इनको स्त्री के साथ अजाब हो रहा है। जो भी किसी जो भी औरत किसी मर्द से नाजायज ताल्लुक कायम करेगी उसका अंजाम ये होगा, ये अजाब होगा उसको। और साथ में ये देखा कि बाल लोग ऐसे हैं कि उनके पहलुओं से, ये बगल के नीचे वाले हिस्से को पहलू कहते हैं, यहां से उनका गोश्त काटा जा रहा है और वही उनको खिलाया जा रहा है। वो न चाहने के बावजूद खाने में मजबूर है, इसलिए कि बेकाबू है वो। तो उनके पहलुओं से उनका गोश्त काट काट कर उनको जबरदस्ती खिलाया जा रहा है और वो वही गोश्त खा रहे हैं। कितनी दर्दनाक सूरत हाल है। आपने जब ये हाल देखा तो आपने जिबेर अमीन से पूछा, जिबेर ये कौन है? फरमाया ये चुगलखोर है, ये वो लोग हैं जो दुनिया में लोगों की चुगलियां खाते थे और बेइज्जती और बेआबरूई करते थे, यानी गइबत करते थे, और उनके ऐब ढूंढा करते थे ताकि उसको रुसवा करें और जलील करें। तो चुगली खाना और दूसरों के ऐब ढूंढना ये भी बाज लोगों के अंदर मर्ज होता है, बाज औरतों में होता है कि वो बस दूसरों की बुराइयां ढूंढते हैं कि इसमें क्या ऐब है, इसमें क्या खराबी है, इसमें क्या खामी है, इसमें क्या कमजोरी है, ताकि दूसरों के सामने बयान करें उसे जलील करें। इसका यह आजाब देखा कि उसके पहलुओं से गोश्त काटा जा रहा है और फिर वही उसको जबरदस्ती खिलाया जा रहा है। तो चुगलखोरी भी गुनाह है,
और दूसरों के ऐप ढूंढना भी गुनाह है, गिबत करना भी गुनाह है। लेकिन तीनों गुनाहों से बचना जरूरी। कोई मुसलमान किसी मुसलमान की गिबत न करे, कोई मुसलमान किसी मुसलमान की चुगली न खाए, और कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान के ऐप न ढूंढे। अरे अपने ऐप काम है क्या हम दूसरों के ऐप ढूंढे। हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह जफर के ये शेर सुनाया करते थे कि थे जो अपने अयूब से बेखबर रहे, देखते औरों के हैं वो हुनर। थे जो अपने अयूब से बेखबर रहे, देखते औरों के हैं वो हुनर, पड़ी अपने अयूब पे जो नजर तो जहां में कोई बुरा न रहा। हकीकत यह कि आदमी अपने ऐप ढूंढे तो इतने ऐप है अपने अंदर कि उनका शुमार ही नहीं हो सकता। इतने हैं हर आदमी के अंदर ऐप, वो तो अल्लाह पाक ने पर्दा डाला हुआ। पर्दा डालने की वजह से हमें एक दूसरे के ऐप नजर नहीं आते, और बाज मरतबा अपनी नादानी की वजह से अपने ऐप भी नजर नहीं आते। और ये अपने ऐप नजर न आना, ये खुद एक मरज है हमारा, जिसे दूर करना चाहिए। और उसका तरीका यह है कि रोजाना 5 मिनट तन्हाई में बैठ के अपने ऐप भी सोचा करें। जब अपनी कमजोरियां, अपनी खामियां, अपनी खराबियां सोचेंगे तो सोचने से सोचना आता है, और फिर आहिस्ता 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 अपने अयूब आदमी के ऊपर नजर आने लगेंगे। बहरहाल हम भी सरापा ऐब है, हमें दूसरों के ऐबों से क्या पड़ी, हमें तो अपनी फिक्र करनी चाहिए। गीबत में हम मुबतला हैं, चुगलखोरी में हम मुबतला हैं, लोगों के अयूब ढूंढने में हम मुबतला हैं, और दूसरे भी गुनाह हमारे से सरजद होते। ये सारे ऐब भी हैं और गुनाह भी हैं, ये हमारे कम नहीं है, बहुत है। तो हमें दूसरों से क्या ऐप ढूंढना भाई, लिहाजा दूसरों के बारे में तो बस जुबान एक ही सूरत में खोले कि देखो जिस आदमी के अंदर कोई ऐप होता है तो कोई ना कोई खूबी भी होती है। हर आदमी के अंदर कुछ खूबियां होती हैं, कुछ खराबियां होती हैं। फरिश्ते तो हमें से कोई से भी नहीं है, इंसान है हम। इंसान जो है खता का पुतला है, उसमें अल्लाह पाक ने अच्छाइयां भी रखी हैं और उसके अंदर खराबियां भी रखी है। लिहाजा हम जब जुबान खोले तो दूसरे की अच्छाइयों के लिए खोले, फला ऐसा अच्छा है, फला ऐसा अच्छा है, फला में ये खूबी है, फला में ये खूबी है, और जहां कोई बुराई की बात आने लगे फौरन जुबान बंद कर दे, दूसरा करने लगे फौरन मना कर दे, मना ना करते खुद उठ जाए वहां से, भाई ये इसका इलाज। एक हदीस शरीफ में गीबत के बारे में जो मजमून आया वो बता दूं, बड़ा सबक आमोज है हमारे लिए, और इस गीबत के गुनाह से बचने में हमारे लिए इंशाल्लाह बहुत मददगार हो सकता है। कयामत में बाज़ लोग अल्लाह ताला की बारगाह में जब पेश होंगे तो सबको मालूम है कि नामा आमाल सबके हाथों में दिया जाएगा। जिसके दाएं हाथ में नामा आमाल होगा वो उसके नजात की अलामत होगी, उसकी खुशियां को ठिकाना ना होगा। अल्लाह ताला हमें भी ऐसे ही, हमारे साथ भी ऐसे ही मामला फरमाए। और जिनके बाएं हाथ में नामा अमाल आएगा वो उनके नाकाम होने की अलामत होगी, और वो इंतहाई गमगीन अफसरदा और अल्लाह ताला की रहमत से मायूस होंगे, वो उम्र काफिर होंगे। तो जिसके दाएं हाथ में नामा अमाल आएगा तो हदीस में आता है कि कोई अपने नाम अमाल पढ़ करके अल्लाह ताला से ये कहेगा कि या अल्लाह मैंने तो इतनी सारी नमाजें पढ़ी थी, रोजे रखे थे, हज किए थे, ज़कात दी थी, सदके किए थे, खैरात किए थे, सिलरहमी की थी, तस्बीहात पढ़ी थी, तिलावत की थी, वो कहां गई, वो तो मेरे नाम अमाल में कहीं भी नहीं। मैं तो रात दिन तहज्जुद पढ़ता था, पाबंदी से मैं इशराक पढ़ता था, उसमें है ही नहीं। तो जवाब दे, तुमने जिन लोगों की गिबतें की थी तुम्हारी नेकें यहां से काट के उनके नाम में अमाल में लिख दी गई। अलियाज़ुबिल्लाह अलियाज़ुबिल्लाह अलियाज़ुबिल्लाह। और दूसरा आदमी अपने नाम में अमाल पढ़ेगा तो वो पढ़ करके ये कहेगा कि अल्लाह मैं तो आज तक कभी तहज्जुद पढ़ी नहीं थी, ये तहज्जुद इतनी सारी मेरे नाम अमाल में कहां से आई, मैंने तो इतने कुरान पढ़े नहीं थे, मैं तो गरीब आदमी तो नाच के नमरा गया, हज उमरा मेरे नाम खाते में कैसे आ गया। तो जवाब दिया जाएगा, जिन लोगों ने तुम्हारे गिबतें की थी ये उनके रोजे हैं,
ये उनके हज हैं, ये उनके उम्रे हैं, ये उनकी तिलावतें हैं जो गइबत करने की वजह से वहां से काटकर तुम्हारे खाते में लिख दी गई हैं। अंदाजा करो, हम यहां अपनी जुबान को बेबाक इस्तेमाल करने के आदी हैं, बेलगाम जुबान चलाने की आदत हमारे अंदर पड़ी हुई है। देखते नहीं है कि हम किसकी गइबत कर रहे हैं, किसकी बुराई कर रहे हैं, किसका ऐप ढूंढ रहे हैं, और वहां बराबर हिसाब चल रहा है। इधर हम गइबतें कर रहे हैं, हमारे नेकियां कट कट के दूसरे के जिसकी गइबत कर रहे हैं उसके खाते में जा रही हैं, और कोई हमारी गइबत कर रहा है तो उसकी नेकियां वहां से कट कट के हमारे खाते में आ रही हैं। इसलिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का अजीब गरीब मामूल था। एक शख्स बहुत अरसा मुख्तलिफ उलमा सुलहा औलिया की खिदमत में रहा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन और फुकहा की खिदमत में उसने बहुत गुजारा। फिर आखिर में हजरत की खिदमत में आया और आकर के साल दो साल हजरत खिदमत में रहा। साल दो साल खिदमत में रहने के बाद एक दिन क्या कहने लगा कि यह हजरत मैं आपसे पहले बड़े बड़े फुकहा मुहद्दिसीन उलमा सालिहीन की खिदमत में रहा हूं, सबसे कभी न कभी किसी न किसी के बारे में कोई न कोई बुराई जरूर सुनी है, लेकिन आप वाहिद आदमी है कि मुझे दो ढाई साल हो गए आपकी खिदमत में रहते हुए, लेकिन मजा ले जो आपने कभी किसी की गइबत की हो, आखिर ऐसा क्यों करते आप? कभी न कभी तो आदमी किसी न किसी की बुराई कर ही देता है, आप क्यों नहीं करते? तो जवाब दिया, अरे बावले मैं पागल हूं जो किसी की गइबत करूं, मैं करूंगा तो अपनी मां की करूंगा। ये जवाब दिया, अरे बावले मैं पागल हूं जो मैं किसी की गइबत करूं, करूंगा तो अपनी मां की करूंगा, मुझे क्या जरूरत है गइबत करने की? एक और सवाल पैदा हो गया। पहले तो यह कि आपने फरमाया कि मैं क्यों गइबत करूं किसी की, क्यों क्यों करूं, लेकिन ये जो आप कह रहे हो करूंगा तो अपनी मां ही करूंगा, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। फिर हजरत ने वजाहत फरमाई कि भाई मैं इसलिए किसी गइबत नहीं करता कि हदीस में आता है कि जो किसी गइबत करता है तो गइबत करने वाली की नेकियां उसको मिल जाती हैं जिसकी गइबत करता है, तो मैं पागल हूं तो मैं मेहनत करूं और रात दिन इशराक पढ़ूं, चाश पढ़ूं, ताजुद पढ़ूं और दीन खिदमत करूं, नेकियां कमाऊं और दूसरों को गइबत करके दे दूं, मेरी नेकियां फालतू है क्या, इसलिए मैं किसी की गइबत नहीं करता। इसलिए अपनी अंगूठी में भी लिखा हुआ था कि अच्छी बात कह वरना खामोश रह, सुभान, कोई खैर वल्ला फैसमत, अच्छी बात कह जुबान से वरना खामोश रह, किसी की बुराई मत कर ताकि तेरी नेगी उसकी ना मिले जिसकी तू बुराई करे। फिर फरमाया मैं ये जो मैंने कहा कि अगर करूंगा तो अपनी माँ करूंगा, इसलिए कि अगर मैं अपनी माँ की गइबत करूंगा तो बेटे की नेगी माँ के पास जाएगी और माँ के पास नहीं गई तो घर की नेगी घर में रहेगी। ये भी कितनी अकलमंदी की बात है, दुश्मन दानिशमंदी की बात है, क्योंकि घर के माया घर में रहनी चाहिए, बाहर जाने नुकसान दे ना, घर में रहे बेटे के पास रहे तो एक बात है, माँ के पास रहे तो भी एक ही बात है। ये है देखो उनकी फकाहत, इसे कहते हैं तफक्को, इसे कहते हैं समझ बूझ, दीन की समझ इसका नाम है। तो भाई इतना बड़ा वबाल, इतना बड़ा नुकसान है, इसलिए हमें अपनी जुबानों पर ताला लगाना चाहिए और किसी के बारे में कोई बुराई करनी ही नहीं चाहिए। और अगर कहीं मजबूरी हो तो फिर अहले इल्म से पूछो भाई कौन कौन सी सूरतें हैं जहां पर एक दूसरे की बुराई करने की गुंजाइश है, बस वो गुंजाइश हो तो उस पर अमल कर लो, ना हो तो बस फिर कुछ भी हो बस अपनी जुबान को बंद रखो, खैर की बात जुबान से निकालो, दूसरे की तारीफ करो, दूसरे को खूबी बयान करो, लेकिन गइबत ना करो और चुगली मत करो। चुगली से कहते हैं कि दो आदमी में लड़ाने के लिए एक दूसरे से बात पहुंचाना, इधर से उधर, उधर से इधर बात पहुंचाए, दोनों में लड़ाई करवा दी। जैसे मिलवाने के लिए आदमी अच्छी बातें पहुंचाता है कि भाई वो तो तेरा बहुत ही तेरा खैर खा है, बड़ा ही तेरा हमदर्द है और वो तो तेरे एहसानात के नीचे दबा हुआ है और ये है और वो है, ये बात जाके दूसरे से कहती भाई वो तो अपने के बड़ा राधी में बड़ा शर्मिंदा है और आपके एहसानात करा दिए, लो भाई दुश्मन भाई भाई बन गए। अच्छा चलो भाई मैंने भी छोड़ा। ऐसी लड़वाने के लिए भी बात लोग ऐसे होते हैं कि उनकी आदत होती है कि भाई सास को बीवी के बहू के खिलाफ भड़काया, बहू को बीवी सास के खिलाफ भड़काया, बेटे को जरा ससुर के खिलाफ भड़काया, ससुर को दामाद के खिलाफ भड़का दिया, लड़ाई हुई।
اسے کہتے ہیں چغل خوری. اور باقی لوگوں کے اندر عیب ڈھونڈنا ہو تو واضح بات ہے بالکل. ایک تو دیکھو یہ موقع ہو گیا اللہ بچائے.